नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के किताबें मिली कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत प्रकाशित पुस्तकों के साथ उपस्थित हूं। आज मैं जिन पुस्तकों का जिक्र करूंगा उनमें पेंगुइन की पुस्तकें भी हैं और उसके सहयोगी प्रकाशन हिंद पॉकेट बुक्स से भी प्रकाशित पुस्तकों की बात करूँगा। नोनील चक्रवर्ती की पुस्तक कौन हो तुम अजनबी, ये अजनबी श्रृंखला की जो पहली कड़ी है और नेशनल बेस्ट सेलर रह चुकी अंग्रेजी की पुस्तक मैरी मी स्ट्रेंजर का हिंदी अनुवाद है। इसका हिंदी अनुवाद अनु सिंह चौधरी ने किया है। यह पुस्तक पहली बार हिंदी में आई है। इसके अलावा गेट जॉब रेडी, नौकरी के लिए हो जाएं तैयार, वासु एडा की यह पुस्तक है। ये इसी नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक का हिंदी अनुवाद है जिसे सुषमा श्री ने किया है। एक और पुस्तक डैन ब्राउन की द लॉस्ट सिंबल, यह हमें प्राप्त हुई है। यह पुस्तक भी इसी नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक का हिंदी अनुवाद है जिसका अनुवाद राकेश कुमार झा ने किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ये सांसें थाम कर पढ़ने लायक उपन्यास है। इनके अलावा आलोक श्रीवास्तव की का गज़ल संग्रह आमीन, ये भी हमें प्राप्त हुआ है। इसकी भूमिका डॉक्टर नामवर सिंह, कमलेश्वर और गुलजार जैसे लोगों ने की है। यह पुस्तक आलोक श्रीवास्तव की दोबारा प्रकाशित हुई है जिसे पेंगुइन के सहयोगी उपक्रम ने प्रकाशित किया है इम्प्रिंट के तहत। कमलेश डी पटेल दाजी, जो द हार्टफुलनेस वे और डिजाइनिंग डेस्टिनी के बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, उनकी यह पुस्तक द विजडम ब्रिज यह हिंदी में पहली बार आई है और इसका अनुवाद रचना भोला यामिनी ने किया है। पेंगुइन की हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों के अलावा जो अंग्रेजी की पुस्तक हमें प्राप्त हुई है उसका नाम है इन लव एट एज, यह एवरीडे स्पिरिचुअलिटी विथ प्रमुख स्वामी जी पर आधारित पुस्तक है जिसके लेखक हैं योगी त्रिवेदी। यह पुस्तक स्वामी नारायण मंदिर के जो प्रमुख स्वामी महाराज हैं उनके जीवन का आख्यान है। इन पुस्तकों के बारे में, इन्हीं में से चुनी हुई पुस्तकों के बारे में बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं चर्चा करूंगा। हो सकता है सभी पुस्तकों की चर्चा करूं, हो सकता है कुछ ही पुस्तकें शामिल हों। हमारे पास हर सप्ताह सैकड़ों की संख्या में पुस्तकें पहुँचती हैं। हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन सभी पुस्तकों की जानकारी आपको दे पाऊँ। इसके अलावा उन पुस्तकों में से ही कुछ पुस्तकों की जो अच्छी पुस्तकें मुझे लगती हैं, पढ़ने में आती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आपको पहली नज़र में इस बात की सूचना देना कि किस प्रकाशक ने कौन सी पुस्तकें प्रकाशित कर हमें चर्चा के लिए भेजी हैं। देखते रहें साहित्य तक, बुक कैफ़े देखते रहें, अच्छी किताबों के बारे में जानकारी पाते रहें, अच्छी किताबें खरीदते रहें और अपने को ज्ञानवान बनाते रहें। धन्यवाद।